हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करने वाले हैं शुगर केन लीफ हॉपर के बारे में, जिसको हम परेला परपुसला वॉकर भी कहते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये परेला परपुसला जो होता है, ये प्लांट्स को डैमेज करता है, उसको सेल सैप को ये सक करता है, जिससे वो डैमेज होते हैं। तो ये नॉर्मली प्लांट के लिए बहुत ख़राब होता है। तो जो शुगर के लीफ हॉपर होता है, इसका जो क्लास होता है, क्लास इसका इंसेक्टा होता है, ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा होता है, फैमिली इसकी होती है लोफोपीडी, जीनस इसका होता है पैरिल्ला और स्पीसीज होता है परपुसिल्ला। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम जानेंगे। द शुगर के लीफ हॉपर इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। द ग्रेस लॉस ड्यू टू दिस पेस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये नॉर्मली कहाँ पाया जाता है? थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है। और इसका ग्रेट लॉस क्या है कि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ही बहुत ज़्यादा इससे ग्रेट लॉस हुआ है। इन उत्तर प्रदेश दिस पेस्ट कॉजेज सिवियर डैमेज इमीडिएट मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश में ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मीरठ में इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। इसके अब फूड प्लांट्स के बारे में जान लेंगे। द पायरेला इज़ ए मेजर पेस्ट ऑफ शुगर केन, बट इट आल्सो अटैक्स मेज, वीट, बाले, बाजरा, ओट्स, सोरगम, सुदान, ग्रास एक्सेट्रा। तो नॉर्मली जो शुगर केन होता है, वो अटैक करता है मेज, वीट, बाले, बाजरा, ओट्स, सोरगम, सुदान, ग्रास एक्सेट्रा को। ये अटैक करता है इस टाइप के प्लांट्स को। इसके अलावा क्या होता है, समटाइम दिस पेस्ट इज फाउंड ऑन भिंडी, करेला एंड कॉलीफ्लावर। कभी कभी कॉलीफ्लावर, भिंडी, करेला पे भी देखा जाता है। बट दीज वेजिटेबल्स आर नॉट अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट ऑफ परेला। तो ये प्लांट इसके होस्ट नहीं है, अल्टरनेटिव होस्ट नहीं है, इससे पाया नहीं जाता नॉर्मली, कभी पाया जा नॉर्मली ये मेनली ही कहा जाता है कि ये मेज, वीट, बाली यहाँ पाया जाता है, ये कभी कभी देखा जाता है उस पर। तो जनरल अपीयरेंस हम देख लेते हैं इसका। डडा इंसेक्ट इज पेल स्ट्रॉ इन कलर एंड वेरी एक्टिव। पेल स्ट्रॉ जो भूसा होता है, जिसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं, वो पेल स्ट्रॉ कलर का होता है, हल्के स्ट्रॉ कलर का होता है और वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होता है। इस बॉडी लेंथ इज अबाउट 8 to 10 mm। इसकी बॉडी लेंथ 8 से 10 mm की होती है। अ हेड इज प्रोलॉन्ग एंट्रली इनटू स्नॉट लाइक। तो इसका जो हेड जो होता है, वो उसके आगे एक स्नाउट निकला रहता है, जिसको नथुना भी हम मतलब सॉरी स्नाउट लाइक आगे एक निकला रहता है। तो उसका मतलब कि जो हेड होता है, वो प्रोलॉग एंट्रली इनटू स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर एंड हैज़ प्रोमिनेंट रेड आइज। तो उसका जो हेड होता है, वहाँ पे उभरा हुआ निकला हुआ होता है, उसका माउथ होता है, मतलब कह सकते हैं इसको, स्नाउट को हम एक तरीके से कह सकते हैं। ये एनिमल्स में पाया जाता है, किसी एनिमल्स में पाया जाता है, उभरा हुआ पोर्शन होता है, जिसको हम प्रोट्रूडिंग पोर्शन भी कहते हैं। ये उभरा हुआ पोर्शन होता है किसी एनिमल्स में, जिसमें नोज, माउथ एंड जॉ तीनों चीज़ होते हैं। तो कह सकते हैं एक प्रोट्यूडिंग पोर्शन होता है, किसी एनिमल्स में होता है ये। और इसमें रेड आइज होती हैं। ए पेयर ऑफ व्हाइटिश ब्राउन एनल प्रोसेस कवर्ड विथ वाइट मिली वैक्स आर फाउंड विच हेल्प इन अप एंड डाउनवर्ड एक्टिव मूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट। तो इसमें एक ब्राउन कलर की एनल प्रोसेस होती है, जो कि वैक्स से कवर्ड होती है, और इस ये मूवमेंट में, अप एंड डाउन मूवमेंट में, मतलब कि ऊपर नीचे जाने में ये हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर फिगर देख सकते हो, ये एक है जो कि लीफ के ऊपर है, ये निम्फ स्टेज है एंड दिस एडल्ट स्टेज है। जो एनल प्रोसेस है, ये है एनल प्रोसेस इसकी, जो कि ब्राउन कलर की होती है, वाइटिश ब्राउन एंड विच इज कवर्ड विथ मिली वैक्स। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री। तो हमने इसकी जन अपीयरेंस के बारे में पढ़ा, इसी कहाँ कहीं पाया जाता है इसके बारे में पढ़ा, थोड़ा बातचीत हमने इसके बारे में की। अब हम नेक्स्ट आएंगे इसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में। और आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने आपको बताया था कि इसमें स्नॉट पाया जाता है, तो इसी को स्नॉट कहते हैं। ये जो उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ प्रोटीडिंग पोर्शन है, इसी को स्नॉट कहा जाता है। इसमें नोज, माउथ, जॉ सब होते हैं।
Next life history. It breeds throughout the year. Female lay eggs in cluster. Cluster में मतलब कि एक साथ बहुत सारे एग देती है, cluster में देती है, 300 से लेकर 500 एग देती है. तो ये ब्रीड करती है, पूरे साल ब्रीड करती है. थ्रू आउट द ईयर इट ब्रीड्स एंड फीमेल लेज इन क्लस्टर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. जो ड्यूरिंग समर, तो कहने का इनका मतलब यहाँ पर ये है कि जब समर होता है तो जो जो शुगर केन लीफ हॉपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लीफ के लोअर सरफेस पर एक को ले करता है. कब करता है? समर में. और क्लस्टरिंग में करता है, क्लस्टर में करता है, 300-500 एक साथ में करता है. एंड इनसाइड द लीफ शीट ड्यूरिंग विंटर, और विंटर में लीफ के शीट के अंदर करता है. द एग्स आर ओवल शाइनिंग एंड पेयर वाइट और ग्रीनिश इन कलर. जो एग क्या होता है, वो ओवल होता है, शाइनिंग होता है, शाइन करता है, ओवल होता है, अंडाकार होता है, पेल वाइट होता है, हल्का वाइट होता है, ग्रीनिश कलर में होता है, ग्रीन. द क्लस्टर और एक जो एट का जो क्लस्टर है आर अरेंज इन 3-5 लॉन्गिट्यूडिनल रोज कंटेनिंग 30-50 एग ईच. तो जो अरेंज, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो एक का क्लस्टर है, तो 3-5 जो होता है लंबी लंबी लाइनों में ये अरेंज होता है, और हर एक लाइन में 30-50 एग्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. नेक्स्ट है, एंड द एग हैच इनटू नीम्स आफ्टर 7-22 डेज ऑफ एग लेइंग. तो यहाँ पे हमने बताया कि एग उसने एग ले करता है इस टाइम पर, समर में लीव्स के बाहरी सरफेस पे करता है, लोअर सरफेस पे करता है, विंटर में शीट लीफ शीट के अंदर करता है. एग इसी शेप का होता है, हमने आपको बता दिया. अब एक लेइंग के बाद क्या होता है, द एग हैच इनटू नीम्स. एक लेइंग के बाद एक जो होता है हैच हो जाता है नीम्फ में आफ्टर 7-20 डेज ऑफ एग लेइंग इन समर, बट इन विंटर हैचिंग पीरियड इंक्रीज. तो विंटर में एक लेइंग करने के 22 डेज के बाद उसमें से नीम्स निकल आता है हैच करके, और विंटर में ये जो टाइमिंग इसकी इंक्रीज हो जाती है. द नीम्स आर डर्टी विंटर डर्टी वाइटर इन कलर, डर्टी वाइट कलर का होता है, एंड प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ एनल टफ्ट. इसमें एक पेयर ऑफ एनल टफ्ट होता है, जो हमने बताया था आपको कि इसमें एनल प्रोसेस होती है जो कि वैक्स से कवर होती है, तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं. जिसका नीम्फ होता है वो एनल टफ्ट इसमें पाया जाता है, पेयर ऑफ. द नीम्स स्टार्ट टू सक द सेल सैप ऑफ द लीव्स एंड अंडरगो टू 4-5 मोल्ड्स. तो जो लीफ नीम्स होता है, वो जो प्लांट होता है, प्लांट के सेल सैप को वो से प्लांट होता है, प्लांट की जो लीफ होती है उसके सेल सैप को ये सक करना शुरू कर देता है. तो ये सेल सैप होता क्या है, सेल सैप हम कहते हैं कि जो लीव्स के सेल सैप को ये सेल सैप को ये सक करता है. तो सेल सैप इज ए फ्लूड फाउंड इन द वैक्यूल्स ऑफ द लिविंग सेल्स. जो सेल सैप होता है, जो कि एक फ्लूड होता है और लिविंग सेल के वैकुल्स में पाया जाता है. वैकुल को हम एक तरह कह सकते हैं, खाली जगह भी कह सकते हैं. तो ये वैकुल से पाया जाता है, जो कि एक फ्लूड होता है, तो उसको ये सक करता है. 4-5 मोर्स मतलब होता है कि 4-5 इसकी अलग अलग स्टेज होती है नीम्फ के बाद. ये मतलब नीम्फ स्टेज आई, फिर उसने सेल से सैप को सक किया, उसके बाद 4-5 इसकी अलग अलग स्टेज आती है. इन स्टेजों में ये पहली स्टेज में ये अलग साइज का रहता है, अलग शेप का रहता है, फिर नेक्स्ट स्टेज में इसकी अलग साइज हो जाती है. तो अलग अलग स्टेज में ये अलग अलग उसकी बॉडी चेंज होती रहती है, बॉडी का शेप एंड साइज. तो ये अलग अलग स्टेज है इसकी डेवलपिंग की. द निम्फल पीरियड वेरीज बिटवीन 25-65 डेज फ्रॉम अप्रैल टू सेप्टेम्बर एंड 80-150 डेज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. तो अगर अप्रैल टू सितंबर में निम्फल स्टेज है, तो 25-65 दिन तक ये निम्फल स्टेज रहेगी, और अगर ये अक्टूबर से मार्च तक में है निम्फल स्टेज, तो 80-150 दिन तक ये निम्फल स्टेज रहेगी. नेक्स्ट एडल्ट. तो जब आफ्टर मोल्टिंग, मतलब मोल्ट में हमने क्या कहा, ये 4-5 मोल्ट्स में जाता है, 4-5 मोल्ट्स में जाता है. 4-5 मोल्ट्स में जाने के बाद ये इस एडल्ट स्टेज इसकी आ जाती है, ये एडल्ट में बदल जाता है. द एडल्ट आर वाइट कलर्ड बट लेटर देयर बॉडी टर्न्स स्ट्रॉ कलर्ड, आईज टर्न पेल ग्रीन एंड डेवलप्स अ स्नाउट. तो एडल्ट जो होता है
वो स्ट्रॉ कलर का होता है, आई जिसकी हल्के ग्रीन कलर की होती है, और उसमें एक स्नाउट होता है, स्नाउट को हम रोस्ट्रम भी कहते हैं। फीमेल मेजर 10 to 10 mm इन लेंथ एंड वेयर एज मेल मेजर 8 mm इन लेंथ। तो फीमेल जो 10 mm की लेंथ में होती है एंड मेल 8 mm। द फ्लाई स्पैन ऑफ एडल्ट मेल इज 5 to 7 weeks एंड दैट फीमेल इज अबाउट 5 to 8 weeks। तो मेल की जो लाइफ स्पैन क्या है, 5 to 7 week की है, फीमेल की 5 to 8 week की है। इन मानसून सीजन द होल लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 40 to 60 days ओनली। तो मानसून सीजन में इसकी जो लाइफ साइकिल है 40 to 60 दिन में हो जाती है। बोथ नीम्स एंड एडल्ट सक द सेलसैप ऑफ द सक्सेलेंट लीव्स ऑफ शुगर केन बाय देयर रोस्टम। जो स्नाउट है, जो कि एक उभरा हुआ इनका बॉडी पार्ट है, उसको स्नाउट भी कहते हैं हम और रोस्ट्रम भी कहते हैं। तो ये रोस्ट्रम तो सेल सैप को सक करता है। एज ए रिजल्ट द लीव्स टर्न पेल येलो एंड ड्राई अप। लीव जो होती है येलो कलर में बदल जाती है और ड्राई हो जाती है। दे सिक्रीट एसिड ड्यू ट्रांसपेरेंट लिक्विड नोन एज हनी ड्यू। तो ये जो होते हैं ये एक ट्रांसपेरेंट स्वीट स्टिकी लिक्विड सिक्रेट करते हैं जिसको हम हनी ड्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आगे ये निकला हुआ, इसी को रोस्टम कहते हैं, इसी को स्नॉर्ड कहते हैं, इसी से वो सक करता है सेल सैप को। तो इसकी लाइफ साइकिल इस तरह कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।